एक जंगल में गौरी नाम की कौवी रहा करती थी। वो उस जंगल में पानी पूरी का ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करती थी। शुरुआत में तो गौरी पानी पूरी अच्छे से बेचा करती थी। बाद में उसको लालच आ जाता है, उसने पानी पूरी के दाम बढ़ा दिए थे, जिस वजह से उसके पास ग्राहक अब कम आने लगे थे। फिर भी गौरी कवि ने पानी पूरी के दाम कम नहीं किए थे। धीरे धीरे अब गौरी कवि को नुकसान हो रहा था। ऐसे में एक दिन उसकी दोस्त रानी चिड़िया उससे मिलने आती है। क्या हुआ गौरी दोस्त, तुम इतनी उदास क्यों हो? जब तक कोई बड़ा विषय नहीं होता तुम इतनी उदास कभी नहीं रहती थी। अगर तुम मुझे बताओगी तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। रानी दोस्त, मैं बहुत दुखी हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरा पानी पूरी का व्यापार नहीं चल रहा है, पता नहीं अब मैं क्या करूँगी। गौरी, जैसा मैं कहती हूँ अगर तुम वैसा ही करोगी तो तुम्हारा पानी पूरी का ठेला अच्छे से चलने लगेगा, लेकिन आधे पैसे मुझे देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, तुम्हें पैसे दे दूंगी, पहले बताओ तो सही मुझे क्या करना है। तुम पहले मेरे साथ जंगल की ओर चलो, वहाँ बहुत सारे पक्षियों के अंडे मिलेंगे। तुम पानी पूरी के साथ साथ उन अंडों को भी बेचा करो, तुम्हारा बहुत मुनाफा होगा। अरे वाह रानी, तुमने तो बहुत ही अच्छी सलाह दी है, मैं कल से ही ये काम शुरू करूंगी। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं, पक्षियों के अंडे चुरा कर पानी में उबाल कर पानी पूरी के साथ मिलाकर दे दिया करते थे, जिसका स्वाद ग्राहकों को बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगा था। कई सारे ग्राहक आकर खाने लगे थे। दूसरी तरफ पक्षियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके घोंसलों में से अंडे गायब कैसे हो रहे थे। एक दिन उन दोनों को अंडे चुराते हुए रानू चिड़िया ने देख लिया था। ऊपर वाले, ये तो इनका काम है, अब मैंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है, अब देखो मैं इनका क्या करती हूँ। अगले दिन जब वो दोनों पानी पूरी बेच रहे थे, रानू चिड़िया उनके पास जाकर अनजान बनकर बातें कर रही थी। आप दोनों पानी पूरी बहुत अच्छे से बनाते हो, इसका स्वाद तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या आप दोनों मुझे बता सकते हो कि आप दोनों पानी कैसे बनाती हो? अरे ओ रानू, हम भला तुम्हें क्यों बताएं, हमारा व्यापार नुकसान में चला जाएगा, निकलो यहाँ से। अच्छा गौरी, फिर ठीक है, जंगल के सभी पक्षियां यहाँ आकर बताएगी कि तुम दोनों पानी पूरी कैसे बनाती हो। जंगल से सारे पक्षियां वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं, हम सब तुम दोनों को अच्छे पक्षियां समझते थे, लेकिन तुम दोनों ने अपना काम करने के लिए हमारे अंडों को ही नुकसान पहुंचाया, हमारे बच्चे हमें ही खिलाए हैं तुम दोनों ने। ये कहते हुए सभी पक्षियां उन दोनों को मार मार के उधर ही मार देती हैं। वो दोनों उधर ही मर जाते हैं। इन दोनों को गांव के चौराहे पर लटका दो, सभी को पता चलना चाहिए कि जो हमारे बच्चों के साथ ऐसा करेगा उसका हाल भी ऐसा ही होगा। चील के कहने पर सभी पक्षियां मान जाते हैं, उन दोनों को गांव के चौराहे पर लटका देते हैं। उस दिन से गांव में कोई भी ऐसी हरकत करने के लिए घबराया करता था। मेरी वजह से इन दोनों की मौत हो गई है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? क्या हुआ रानू दोस्त, तुम इतना क्या सोच रही हो? लूसी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है,
मेरी वजह से दो जिंदगियां खत्म हो गई। तुम उन दोनों की मरने के वजह से इतनी तकलीफ ले रही हो, क्या तुमने सोचा कि वो हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहे थे? हमारे बच्चे ने तो दुनिया भी नहीं देखी थी अभी तक। रानू, तुम चिंता मत करो, जो गुनाह करता है उनकी सजा जरूर होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया पानी पूरी का ठेला लगाने की सोचती है। ये सोचकर रानू चिड़िया जंगल के पक्षियों के लिए पानी पूरी का ठेला लगा लेती है। उस जंगल में एक ही ठेला होने के कारण रानू का व्यापार अच्छे से चलने लगा, लेकिन रानू कभी भी लालच नहीं करती है। देखते ही देखते रानू बहुत अमीर हो जाती है। उसने एक बड़ा सा होटल भी खोल लिया था। इस तरह वो लालच ना करते हुए खुशी खुशी से रहने लगती है। रानू चिड़ा बस से सफर कर रहा था, अचानक से बस पंचर हो जाती है और एक जगह रुक जाती है। टुन्नू चिड़ा बस से उतर जाता है और एक जगह बैठ जाता है। वो बस ठीक होने तक इंतजार कर रहा था, अचानक से उसके कानों में जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। तरबूज ले लो तरबूज, लाल लाल मीठे मीठे तरबूज ले लो। ये आवाज तो मेरी रानू की लग रही है, लेकिन वो यहाँ तरबूज क्यों बेचेगी? ये मेरा वहम होगा। तरबूज ले लो तरबूज, गरम गरम गर्मी में ठंडा ठंडा तरबूज। नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, ये तो सच में रानू की आवाज है, मुझे अभी देखना होगा। टुन्नु चिड़ा उड़ते हुए आसपास देखने लगता है, तभी उसको रानू तरबूज बेचते हुए दिखाई देती है। वो रानू के पास जाता है। दोनों कुछ देर तक तो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। रानू, तुम यहाँ इस हाल में? चलो चलकर कहीं और बैठते हैं और बातें करते हैं, तब तक बस भी ठीक हो जाएगी। टुन्नू जी, मेरी छोड़िए, आप किस काम से यहाँ से जा रहे थे? मैं तो यहाँ शहर जा रहा था, अचानक से बस खराब हो गई है। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारे पास उड़ते उड़ते आ गया। अब तुम बताओ, तुम यहाँ? और रानू, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये तरबूज क्यों बेच रही हो? तलाक के वक्त तो मैंने तुम्हें 5 लाख दिए थे। क्या बताओ टुन्नू जी, जो आपने 5 लाख रुपए दिए थे वो मेरे पड़ोसी कालू और गोरी चुरा कर भाग गए हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, उनको तो बस पैसों की लालच थी, इसीलिए मैं तरबूज बेचकर छोटी को पालने लगी। रानू, छोटी कहाँ है? अब तो वो बड़ी हो गई होगी ना? हाँ टुन्नू जी, अभी वो सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी। पहले तो आपके बारे में वो बहुत पूछती रहती थी, धीरे धीरे वो भी अब आपको भूल चुकी है। अभी बस वाला उनको पुकारने लगता है। चलो चलो पक्षियों, अब बस ठीक हो गई है। रानू, अब मैं चलता हूँ, वापस लौटते समय तुमसे जरूर मिलकर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए टुन्नू चिड़ा बस में बैठकर चला जाता है। रानू चिड़िया सोचने लगती है कि आज से 5 साल पहले उन दोनों का तलाक हो चुका था। गलती मेरी ही थी, मैंने टुन्नू जी से क्यों तलाक लिया था? मैंने थोड़ा और सोच लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते ही टुन्नू चिड़ा वापस रानू चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, रानू, मैं वापस जा रहा था तो तुमसे मिलने आ गया,
अब तुमने छोटी के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? सुनो जी, मैं तो मेरी बेटी छोटी को बड़े बड़े पढ़न पढ़ाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास अब इतने पैसे नहीं रहे, इसलिए मैं तरबूज बेचकर उसको सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अब तो ऊपर वाला जानता है कि आगे उसके साथ क्या होगा। रानू, छोटी के भविष्य के लिए तुम्हें दूसरा काम करना चाहिए। मैं तुम्हें दूसरा काम लगा कर दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो सब छोड़िए टुन्नू जी, माँ जी कैसी है? मुझे माँ जी से मिलना है और उनसे माफ़ी भी मांगनी है। रानू, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, जब तक जिंदा थी वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही पूछती रहती थी। रानू और टुन्नू बैठकर बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर लूसी कबूतरी वहाँ आती है और रानू से पूछती है, रानू दोस्त, ये चिड़ा कौन है? इस अजनबी चिड़े को तो मैंने कभी भी हमारे जंगल में नहीं देखा, और तो और तुम इससे बातें क्यों कर रही हो? लूसी बहन, ये मेरे पति टुन्नू है, आज से 5 साल पहले हमारी तलाक हो गई है। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। थोड़ी देर बाद टुन्नू चिड़ा भी वहाँ से जाने लगता है, तभी रानू उसको रोकते हुए उससे कहती है, टुन्नू जी रुकिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे भी आपके साथ ले चलिए, इस तरह की जिंदगी जीने से अब मैं थक चुकी हूँ। मुझे अपने साथ ले चलिए टुन्नू जी, मुझे अपने साथ ले चलिए। ठीक है रानू, अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा, तुम घर जाओ और छोटी को लेकर आओ, हम सब मिलकर हमारे घर चलते हैं। छोटी चिड़िया भी अपने पिता को पहचान लेती है और वो बहुत खुश थी। इस तरह रानू अपने परिवार के साथ फिर से एक बार खुशी खुशी से रहने लगती है। रानू अपने पति टुन्नू के साथ खुशी से प्यार से एक जंगल में रहा करती थी। रानू रानू, कहाँ हो? बहुत भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता दे दो। हाँ टुन्नू जी, ला रही हूँ, आपका मनपसंद भोजन बनाया है मैंने। अरे वाह रानू, ये भोजन तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, तुम्हारे पंखों में जादू है जादू। सुनिए टुन्नू जी, जंगल के सभी पक्षी इस जंगल को खाली करके दूसरे जंगल जा रहे हैं। मगर ऐसा क्यों रानू, यहाँ पर तो सब कुछ है ना? हाँ टुन्नू जी, गर्मी का मौसम आने वाला है ना, हमारे जंगल में बहुत गर्मी पड़ती है, सभी पक्षियों को इस बात का डर है कि गर्मी की वजह से कहीं उनके घर ना जल जाए। अरे ये क्या, आगे का सोचकर बना बनाया घर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? घर को बनाने में कितने ज्यादा पैसे और मेहनत लगती है। पति पत्नी बातें कर रहे थे, तभी उनके पड़ोस में रहने वाली चिली वहाँ आती है। अरे चिली जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? गर्मी की वजह से अंगार लगकर मेरी झोपड़ी जल गई है, हमारा बसाया हुआ संसार, पैसे, सब कुछ जलकर राख हो गए हैं। अब हमारे पास बस राख बचा है राख। रानू, इसी कारण हम जंगल छोड़कर जा रहे हैं। ये कहकर चीली वहाँ से चली जाती है। ए भगवान, टुन्नू जी, सुना आपने, चील का घर इस गर्मी की वजह से जल गया। रानू, तुम चिंता मत करो, हो सकता है उन्होंने अपना घर ठीक से बनाया नहीं होगा, मगर हमने तो हमारा घर बहुत मजबूत से बनाया है। जंगल के सभी पक्षी उस जंगल को छोड़कर जा रहे थे। ये क्या, सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं? घर बैठे बैठे कितना बोर हो रहा है, किसी से बात करना चाहो तो भी कोई है ही नहीं। प्राणों,
क्या हुआ है तुम्हें? अकेले बैठकर क्या सोच रही हो? टुन्नो जी, घर पर रह रहकर बोरियत सा हो रहा है। अच्छा बाबा, ठीक है, हम दोनों कहीं चलकर घूम आते हैं। पति पत्नी दोनों खुशी से घूमने जाते हैं, लेकिन ये क्या, जब तक वो घर वापस लौटकर देखते हैं कि उनका घर जल रहा है। अरे ये क्या, हमारा घर तो जल रहा है। हाँ हाँ रानू, ये कैसे हो गया? टुन्नो जी, हमारा सारा सामान, हमारे सारे पैसे, सब कुछ जल रहे हैं। सभी पक्षी पहले ही कह रहे थे कि यहाँ मत रुकिए, हमने तो उनकी एक ना मानी, बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं हम। अब तो ऐसा कोई है ही नहीं जो हमें उनके घर में आसरा दे सके, हम क्या करेंगे? अब किसी और जंगल जाकर हमारा आसरा ढूंढेंगे, कोई चारा भी तो नहीं हमारे पास। फिर रानू और टुन्नू आंसू बहाते हुए किसी और जंगल जाने लगे। कौन हो आप दोनों? लगता है इस जंगल में नए आए हो। जी हाँ, हम दूसरे जंगल से आए हैं, वहाँ गर्मी की वजह से हमारे घोंसले जल रहे थे, इसी कारण हम परावास करके इस जंगल आए हैं। अरे अच्छा अच्छा, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मेरे घर के बाजू में ही एक घर है, आप दोनों उस घर में रह सकते हो। फिर कबूतर रानू और उसके पति को अपने घर ले जाता है। लूसी लूसी, सुना है कि ये दोनों बहुत दूर से आए हैं, इनके जंगल में धूप की वजह से इनका घर जल गया है, अब ये दोनों यही रहेंगे। पति जी, अच्छा हुआ आप इन दोनों को यहाँ ले आए हो। रानू बहन, हमारे पास एक घर है, लेकिन उस घर पे धूप बहुत ज्यादा पड़ती है। जी कोई बात नहीं, हम दोनों इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा अब आप दोनों भोजन कर लीजिए, बहुत दूर से आए हो ना। इस तरह कबूतर और उसकी पत्नी लूसी ने उन दोनों को रहने के लिए बहुत मदद की। टुन्नू और रानू उस जंगल में ये घर में रहने लगे। ऐसे ही दो दिन बीत जाते हैं। दो दिन बाद उस जंगल में खूब धूप होने लगी। उनके घर पर धूप ज्यादा पड़ने के कारण वो घर भी अब जल जाता है। टुन्नू जी, ना जाने हम दोनों ने कौन सा पाप किया है, हम दोनों जिस भी घर में रहते हैं वो घर जल जाता है। रानू, जरूर हम दोनों ने कोई पाप किए होंगे। अरे आप दोनों ऐसा मत सोचिए, धूप ज्यादा थी इसलिए आपका घर जल गया। उस दिन के बाद कबूतर और लूसी दोनों मिलकर रानू और टुन्नो के लिए जंगल के बीच में एक पेड़ के ऊपर घर बना कर दिया। उस घर में रानू और टुन्नो खुशी से रहने लगे। कुछ दिनों बाद रानू को एक अंडा भी होता है, फिर उनके जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लौट आती है। रानू चिड़िया दुल्हन बनकर खड़ी थी, उसका विदाई का समय आ चुका था। वह अपने माता पिता से कहती है, माँ बाबूजी, आप दोनों ने मेरे माता पिता को मरने के बाद बहुत अच्छे से पाला, उसका आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझसे माफ कर देना माँ। पिताजी, आपकी मुझे बहुत याद आएगी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। दामाद जी, मैं बड़े ही नाजों से अपनी बेटी को पाला है, मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। आप दोनों चिंता ना करें, रानू को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे जाने भी दो, रानू बच्चे नहीं है, अब इसकी शादी हो गई है। फिर रानू डोली में बैठकर विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। रानू की सास चमेली अपनी बहू का खुशी खुशी से घर में स्वागत करती है। अरे वाह, मेरी बहू कितनी प्यारी है, आओ बेटा घर के अंदर प्रवेश करो। अगले दिन रानू चिड़िया सोकर देर से उठती है। अरे बाप रे, दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी मेरी आँख खुली। अरे बहू रानी,
क्या हुआ? तुम इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो? तुम ठीक तो हो ना? अरे वो माँ जी, मुझे पता नहीं कि मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी। कोई बात नहीं बहू, तुम तैयार होकर आ जाना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। रानू तैयार होकर रसोई में आती है, तभी उसकी सास उससे कहती है, बहू रानी मैंने सारा कुछ बना दिया है, बस तुमको इसे लेकर बाहर आना है। हाँ माँ जी ठीक है। रानू की सास वहाँ से चली जाती है। रानू अपने मन में मन ही सोचती है कि ऊपर वाले मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है और मुझसे कितना प्यार करती है। तभी रानू को उन दिनों की याद आती है कि उसकी सौतेली माँ ने देर तक खाना बनाने की वजह से उसको मारना पीटना करती थी। माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो माँ। आज तो मैंने सिर्फ तुमको मारा पीटा है, अगर रोज रोज तुम देर तक सोती रहोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या हुआ बहू, तुमको कौन मार रहा है? तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही पुराने दिन याद आ गए हैं। बहू टुन्नू को काम करने के लिए बाहर जाना है, जल्दी से भोजन बनाकर ले आ, सब मिलकर अच्छे से भोजन करते हैं। बहू रानी आज तेरी पहली रसोई है, ये ले तेरे लिए सोने के कंगन ले आई हूँ तोहफे में। माँ जी आप कितनी अच्छी हो, आप मेरा कितना ध्यान रखती हो। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन गौरी कवि उसके घर आती है। अरे चमेली क्या बात है, अब तो बहू घर आ गई है, तुमने तो बाहर आना ही छोड़ दिया। कई दिनों से तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर ही आ गई। गौरी तुम तो जानती हो ना, बहू नई नई है, घर संभालने में उसको दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं साथ में रहकर सब कुछ समझाती हूँ, समय ही नहीं मिलता बाहर आने। चमेली मैं तुमसे कह रही हूँ, बहू का इतना भी ख्याल मत रखना, वरना वो तेरे सर पर बैठ जाएगी। नहीं नहीं गौरी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बहू रानी तो बहुत अच्छी है, बेचारी उसकी सौतेली माँ ने उसको कभी प्यार नहीं किया, वो तो बेचारी मायके में माँ का प्यार को तरसती रही, अब मैं भी उसके साथ सख्ती करूँ? नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा। तू अपनी सुना, तेरी बहू कैसी है? मैं अपनी बहू का क्या बताऊं, वो तो मेरा एक भी कहना नहीं मानती है, सब कुछ अपना मन मर्जी से करती है। मेरी बात मान गौरी, तुम अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करना, देखना वो भी तुमको अपनी माँ मानकर तुम्हारी सारी बातें भी मानने लगेगी। जब रानू अपनी सास की ऐसी बातें सुनती है, उसके आँखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ जी मैं तो बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ, जो मुझे आप जैसी सास मिली। फिर रानू अपनी सास के घर में खुशी खुशी से रहने लगती है। दोस्तों बहू और बेटी एक समान होती है, उसमें फर्क नहीं करना चाहिए।